वर्ल्ड कप में मुसलसल चार मैचेस में शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान ने आज बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है और बांग्लादेश की तरफ से दिया गया 205 रन का टारगेट पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 32.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। आज काफ़ी मैचेस के बाद फखर जमान को टीम में शामिल किया गया और उन्हें इनिंग्स ओपन करने का दोबारा चांस दिया गया तो उन्होंने 74 गेंदों पर 81 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। सिर्फ यही नहीं, आज की जीत के बाद वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पर आ गया है, यानी अब तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर नहीं हुआ है। इम्कान अब भी मौजूद हैं मगर न्यूजीलैंड को अपने बाकी 3 मैचेस हारने हैं और पाकिस्तान को अपने बाकी 2 मैचेस जीतने हैं। कल इस हवाले से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच भी बहुत अहम है मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जिन तनाज़ात ने जन्म लिया है उसको लेकर आज भी दुनिया भर में चेमगोइयाँ जारी हैं और हर तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंडक्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल वर्ल्ड कप जैसे आलमी टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक इल्जाम के पेश नज़र मुस्ताफ़ी हो गए और वजह यह थी कि वर्ल्ड कप के दौरान ही ज़का अशरफ ने इंजमाम उल हक के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामलों पर तबसरे शुरू कर दिए थे और बाद में इस हवाले से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी थी। मगर बात यहाँ तक महदूद नहीं थी, पूरी दुनिया ने वर्ल्ड कप के दौरान यह भी देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने सिर्फ अपने दिफा के लिए अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का प्राइवेट मैसेज लीक कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट मीडिया पर चलाने के लिए इसरार करते रहे। स्क्रीनशॉट चलाने वाले एंकर और रिपोर्टर दोनों ने इस हवाले से माफी मांग ली और तस्लीम किया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ज़का अशरफ ने अपने इन इकदाम पर अभी तक ना शर्मिंदगी का इजहार किया है ना ही कोई वजाहत दी है और पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स भी अब ज़का अशरफ के इकदाम पर तनकीद कर रहे हैं। दुनिया भर में, भारत में कमेंटेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स ज़का अशरफ पर तनकीद कर रहे हैं कि अपने कप्तान को बीच वर्ल्ड कप में ऐसा कोई कैसे कर सकता है। आज साबिक कैप्टन शाहिद आफरीदी ने ज़का अशरफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि ज़का अशरफ साहब, आप किसी क्लब के चेयरमैन नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप अपने काम से काम रखें। यानी हर तरफ से सवालात उठ रहे हैं। कल भी हमने ज़का अशरफ साहब को उनका मौकफ जानने के लिए 4 सवालात भेजे थे। पहला सवाल हमने ज़का अशरफ से ये किया था कि प्रोग्राम के मेज़बान वसीम बदामी ने यह दावा किया है कि आपने खुद बाबर आजम के साथ होने वाली बातचीत का स्क्रीनशॉट दिया और फिर उसे चलाने के लिए भी इसरार करते रहे, इस पर आपका क्या मौकफ है। हमने दूसरा सवाल ज़का अशरफ से ये किया था कि साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ टीवी चैनल्स, PSL फ्रेंचाइजेज और PCB बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने बेटिंग कंपनीज का लोगो अपनी शर्ट पर लगाने से इनकार कर दिया था, क्या ये बात दुरुस्त है। फिर हमने तीसरा सवाल ज़का अशरफ साहब से ये किया था कि क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ज़का अशरफ साहब ने PCB के मामला अपने बेटे को आउटसोर्स कर दिए हैं और अमली तौर पर उनका बेटा ही बोर्ड को चला रहा है, आप इस हवाले से क्या मौकफ देंगे। जबकि ज़का अशरफ साहब से चौथा सवाल हमने ये किया था कि आपकी तैनाती से पहले टीम मैचेस भी जीत रही थी और उसकी रैंकिंग भी बेहतर थी, क्या ये दुरुस्त नहीं कि PCB की नई मैनेजमेंट ने अपने इकदाम से टीम के स्प्रिट को ही तबाह कर दिया है। लेकिन ज़का अशरफ साहब ने अब तक इन सवाल का जवाब नहीं दिया है। आज भी हमने प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो आज भी नहीं आए। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर बख्श साहब और अब्दुल रजाक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिकू भाई, रजाक भाई, जाहिर है टीम की कारकर्दगी, बुरी कप्तानी, इस सब पर आप भी क्रिटिसाइज़ करते रहे बाबर आजम को, मगर देख रहा हूँ मैं कि जो क्रिकेटर्स भी तनकीद कर रहे थे, इनफैक्ट भारत में जो तज्जियाकार हैं, क्रिकेटर्स हैं जो तनकीद कर रहे थे, वो भी ज़का अशरफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं कि ऐसे कौन सा चेयरमैन बोर्ड है जो करता है अपने कप्तान के मैसेजेस लीक करता है, ये क्या इमेच्योर रवैया है, कि कैसी ये बात है कि आप अपने कप्तान के साथ ये करें। मगर हमने देखा है कि कोई कान पे जू नहीं रेंग रही है ज़का अशरफ साहब के, हर तरफ से तनकीद हो रही है। देखें, मैंने पहले भी कहा था ये मैच्योर, ये इस तरह नहीं किया जाता। जो चेयरमैन होता है PCB का, वो एक फादरली फिगर होता है। फादरली जो फिगर होता है वो उसको उस तरह बिहेव करना चाहिए। उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है और आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर आप खुद शो करते हो, कभी किसी की ऑडियो लीक हो रही है, किसी की बेगम की हो रही है तो किसी की भाभी की हो रही है, इस किस्म की लीक्स होती हैं। उन्होंने वही हरकत इधर कर दी, इनको नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, वो बड़ा हॉस्टाइल है, हमारे खिलाफ जाता है, उसको एक बहाना चाहिए होता है, हमारा मजाक बन रहा है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है, ऐसा नहीं होता। और ठीक है, एक लड़के से परफॉर्मेंस नहीं, वापस आएगा आप खिंचाई कर दें, उसकी कप्तानी से हटा दें, तो हमेशा होता है, मगर इस तरह की चीज़ें करना फिर उस सोने पे सुहागा। वैसे इसमें मैं ये इस बात ज़रूर कहूँगा कि इसमें बाबर का जो ग्रुप है, जो उसका जो एजेंट है, उसने भी इनके खिलाफ चीज़ें चलाईं। जब उसने चलाईं तो इन्होंने जवाब देना शुरू किया, इनको खामोश रहना चाहिए था। ये पावरफुल लोग हैं, आप खामोश रहते, आप FIA में रिपोर्ट करते कि ये जो हमारे
हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है क्रिकेट बोर्ड के, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट करते हैं रादर देन दैट कि आप प्लेयर के ऊपर करते हैं। तो ये दोनों तरफ से टिट फॉर टैट हो रहा है। ये मैं आप इसमें बाबर आजम का जो एजेंट है उनको आप मासूम ना समझे, ये उन्होंने चलाया है जो क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, तो उसके जवाब में जो है क्रिकेट बोर्ड ने जो है इमेच्योरिटी दिखाई है। रजाक भाई आप बताइएगा, ज़ाहिर है आपने हालिया दौर में क्रिकेट बोर्ड में किस तरह सियासत होती है, क्या मामलात होते हैं वो सब देखे, मगर ज़कर अशरफ साहब ने आपकी नज़र में भी काफ़ी लिमिट्स क्रॉस किए हैं कि जो आप चेयरमैन पीसीबी से चाहे वो अपने सियासी वाबस्तगी की वजह से आया हो एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हरकतें करेगा। डेफिनेटली देखें, जब आप बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और ये कि इनको बस शौक है कुर्सी पे बैठने का। कभी ZTVL की चेयरमैनशिप मिल जाती है तो फिर उन्होंने किसी ने बताया कि ये छोटी सीट है आप PCB के चेयरमैन बने, तो डेफिनेटली वो फिर अपनी अप्रोच की वजह से अपने तल्लुकात की वजह से वो कहीं ना कहीं आके बैठ जाते हैं। और अभी जो बातें जी चल रही हैं सारा, ये ज़काशर साहब बोर्ड को नहीं चला रहे, इनका बेटा चला रहा है, और बेटा ही जो प्लेयर्स हैं या कुछ लोग ऐसे उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर और मीडिया के एक दो बंदे बड़े जो इनके साथ रिलेटेड हैं उनको शायद कोई पे भी ये करते हैं, तो वो उनके साथ जाके घर पे मीटिंग होती है इनकी, और इनका बेटा जो है ना सारी वो हर चीज़ बात करता है, ज़काशर साहब नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप इस चीज़ के नाअहल हैं तो आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल हट जाना चाहिए। आप क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर नहीं ले सकते क्योंकि आपको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है। आप जितने भी लोगों को एडवाइजरी पे लेके आते हैं वो अपने माइंड से चलते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, तो जब रिज़ल्ट आते हैं तो वो फिर गलत रिज़ल्ट आते हैं। तो ऐसा ही हुआ है, और हमेशा जब भी आप ऐसी पोस्ट पे आएँ तो जो भी डिसीजन लें तो उसके रिज़ल्ट देखने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी रिज़ल्ट आ चुके हैं वो इतने अच्छे नहीं आए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कुर्सी जो है आपके लिए नहीं है, आप कहीं और जाके बैठें। और सिकू भाई आप और रजाक भाई दोनों कह रहे थे बार बार फ़ख्र जमान को खिला लें, फ़ख्र जमान को खिला लें, ऑस्ट्रेलिया के मैच में खिला लेते, बड़ा रन चेस करने थे, फ़ख्र जमान होता है एक पावर हिटर है, आप 7 छक्के मारे हैं, रन बनाए हैं, मगर उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था। आज खेले और भरपूर खेले, पाकिस्तान ने मैच भी बड़ा कन्विंसिंगली जीता, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान का नेगेटिव ही है रन रेट, यानी कि मैचेस ही पाकिस्तान को दोनों जीतने हैं और न्यूजीलैंड को तीनों हारने हैं अगर पाकिस्तान ने पहुँचना है आगे, कैसे देख रहे हैं? देखो ऑस्ट्रेलिया ने भी तीनों हारने, ऑस्ट्रेलिया के भी 6 में 8 हैं और न्यूजीलैंड के भी 6 पे 8 हैं, हमारे जो हैं 7 में जो हैं 6 हो गए, तो हमने दोनों मैच जीतने, ठीक है, तो हमारे 10 हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी तीनों मैच हारने और न्यूजीलैंड ने भी तीनों मारे तो फिर वो 10-10 पे आएंगे, तो कहीं तो हमने घुसना है ना। तो ये मतलब है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट हैं, उसके भी 6-3 मैच रहते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं एक मैच जीत के अगर ऊपर चला गया तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों ने तीनों मैच हारने, जो कि मतलब है कि नॉट पॉसिबल। मसला ये कि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच तो इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया का एक मैच तो इंग्लैंड से है, मगर बाकी एक अफगानिस्तान से, एक बांग्लादेश से, दोनों हारे मुश्किल नजर आता है। साउथ अफ्रीका का एक मैच न्यूजीलैंड से, एक इंडिया से है और एक अफगानिस्तान से है। न्यूजीलैंड का एक मैच श्रीलंका से, एक पाकिस्तान से है, ठीक है, तो हमें जीत, हम हरा दें न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड बाकी हार जाए उसकी दुआ कर सकते हैं। दुआ करें, तावीज करें, कोई गंडा शंडा करें, जो जरा हमारे यहाँ आजकल ये भी रिवाज हो गया ना, आप अगर जादूगर हैं और अगर आप कोई बहुत बड़े पीर शीर हैं तो आप कुछ कर सकते हैं, तो जिस तरह के हमारे, मैं क्या बोलूँ, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए अभी आपने फ़ख्र का जिक्र किया, फ़ख्र के लिए हम कह रहे थे, उससे पहले हमने जिन जिन लोगों के लिए कहा उनको उन्होंने नहीं खिलाया और आज वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, जैसे साउथ शकील है, इज़ अ रेगुलर मेंबर, उसने अभी तक 350 कर दिए। उसामा को हम कह रहे थे खिलाओ खिलाओ उसको, तो वो भी खेल रहा है। अब्दुल्ला शफीक, इसको हम कह रहे थे खिलाओ, खिलाया ही नहीं, अब वो 350 वो कर चुका है, इफ्तिखार है उसको, खुदा भला करे उसकी बैटिंग ऑर्डर ही नीचे कर रहे थे, उसने देखे रन्स करना शुरू कर दिए। तो ये जो टीम है ना जो चलाने वाले, इनकी जो समझ में नहीं आई कि क्या इनको ये क्या चाह रहे थे, क्या इनको कोई शौक नहीं था कि पाकिस्तान टीम जीते। तो खैर एनीवे जो भी है, पाकिस्तान ने अब दोनों मैच जीतने और उन्होंने तीनों मैच हारने। और रजाक भाई आज ज़ाहिर टीम तो सामने बांग्लादेश थी, बांग्लादेश की कारकर्दगी नहीं रही इस वर्ल्ड कप में, मगर उसके बावजूद बार बार देख के एहसास हो रहा था कि काश ज़रा पहले कॉम्बिनेशन पिक कर रहा होता, फ़ख्र पहले होते पिक कर रहा होता, देर से पिक कर रहा हुआ है मामला, या फिर कमज़ोर टीम थी बस परफॉर्मेंस हो गई।
देखिए इनको हमेशा पाकिस्तान टीम को हमेशा बाद में याद आता है, और देखें ना अभी जो टीम खिलाई है मैं समझता हूँ बेस्ट इसमें ऑप्शन है। अगर शादाब भी खेलते हैं सामा की जगह तो कोई हार्म नहीं, कोई मसला नहीं है, बड़ा फिर भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है। तो हमारी बैटिंग भी इसमें पूरी है, इसमें हमारी बॉलिंग भी पूरी है। इफ्तिखार आपके पास पूरे 10 ओवर का बॉलर है, और शादाब भी कर लेते अगर वो होते, और साथ में सलमान अली आगा भी। और बात ये है कि आपने ओपनर्स, अब ये देखिए अगर फखर आज ना खेल रहे होते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यही मैच हमने 40 या 42 ओवर में जाके करना था। तो ये हमारा ये इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी वजह से हमारा नेट रन पे ही जाता है। और जो यहाँ कंडीशन होती है 300 वाली, वहाँ पे हम 250 करते हैं, 250 करते हैं, तो वो जो 20-25 रन का शॉर्टेज होती है, जो हमारे कैप्टन भी कहते हैं हर मैच में कि 15 रन 20 रन शॉर्ट थे, तो ये फखर का ही है। अगर फखर खेल रहे होते तो हमारा, मैं समझता हूँ 50 रन हम ज़्यादा करते। तो अब ये आप देख लें कि इन मैनेजमेंट का और ये जितने हमारे कैप्टन हैं इनकी क्या सोच है, इनके पास डिसीजन ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रही कि फखर किस कैलिबर का प्लेयर है। भाई उसका ये हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप हो, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दें आप, पूरा उसको दे के यार ये वर्ल्ड कप आप खेलें, आप परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान टीम को फायदा होगा, नहीं करते तो हम फिर और कोई प्लेयर देखेंगे। तो उनको 4-5 मैच बार बिठा दिए, जो अच्छे मैच थे, जो दूसरी टीमें डर रही हैं कि हम फखर से हमने बचना है, तो उसी को आप नहीं खिला रहे। तो ये तो हमारी सोच है, हमें बाद में याद आता है। तो अभी उसको खिलाया तो आज बाद ये हमारे ओपनर हैं जो जिन्होंने 3 या 4 छक्के मारे हैं। मुझे बताएं पिछले 6 मैचों में किस किस ओपनर ने हमारे जाके छक्के मारे हैं जाके। तो ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पर आपकी सोच होनी चाहिए कि यार हमने इस प्लेयर को खिलाना है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़िया आपने सुना। अब उम्मीद है कि पाकिस्तान पहुँचे, अभी तक उम्मीद है, मगर ज़ाहिर है दूसरी टीमों को हारना होगा, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं जीतना होगा।